वहीं जनपद एटा में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरा कार्यक्रम विस्तृत रूप से जारी कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय से लेकर नाम वापसी तक की सभी प्रक्रियाएं जिला मुख्यालय पर होंगी। देखिए, प्रशासन और पुलिस एक यूनिट के रूप में कार्य करते हुए पूरे आगामी चुनाव को सकुशल यहां संपन्न कराएंगे, इस बात के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जनपद में कुल 1089 मतदान केंद्र हैं जो 4 श्रेणियों में चिन्हित किए गए हैं। उस श्रेणी के मुताबिक हम लोग निरोधात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न करेंगे। एक चैलेंज रही है, चैलेंज सामने आते हैं। माननीय आयोग के निर्देशानुरूप कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग निश्चित रूप से चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। तमाम जगह क्लस्टर मोबाइल्स हो गई, हमारी यूपी 112 की मोबाइलें हो गई, बैरियर्स की व्यवस्था हो गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स, ये सब विभिन्न स्तरों के प्रबंध किए जा रहे हैं और चुनाव को हम लोग प्रत्येक दशा में सकुशल संपन्न कराएंगे। देखिए, पुलिस और प्रशासन तैयार है आगे की तैयारी के लिए। हमने अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी हैं। हमने आपस के कोऑर्डिनेशन से बूथों का जो सेंसिटिविटी और अल्ट्रा सेंसिटिविटी है उसको भी फाइनलाइज कर लिया है। उसके अलावा हमारी जो प्रशासन के जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका जो चयन है, या ARO's ROs का चयन है, आगे की ट्रेनिंग, वो सब की तैयारी भी हमारी पूरी हो चुकी है। एक ट्रेनिंग हम दे भी चुके हैं और आगे हम मजबूती से काम करेंगे।